The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, hello, diabetes reversal. Kaise reverse kar sakte hain hum diabetes ko? So, ye ek sachchai hai, term hai, diabetes reversal. कई बार हम इसको डायबिटीज़ को कंट्रोल करना भी बोलते हैं, हाउ टू कंट्रोल डायबिटीज़, हाउ टू रिवर्स डायबिटीज़, हाउ टू, है ना, इस चीज़ के रेमिशन भी बोलते हैं, डायबिटीज़ रेमिशन, राइट, क्योंकि कैंसर नहीं है डायबिटीज़, लेकिन रेमिशन इसलिए कहते हैं कि ये वापस आ सकती है. इट्स नॉट लाइक रिवर्स हो गई है तो वापस नहीं आ सकती. गाड़ी रिवर्स में जाती है तो आगे भी जा सकती है. सेम वे डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है एब्सोल्युटली, लेकिन वापस फॉरवर्ड भी हो सकती है. सो दिस इज बेसिकली, मतलब क्या है इसका, मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है इंसुलिन सेंसिटिविटी का और डायबिटीज ब्लड शुगर लेवल्स का. डायबिटीज रिवर्सल का मतलब है लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट. मतलब दो दिन, चार दिन, एक हफ्ता, एक महीने का इम्प्रूवमेंट का कोई मायने नहीं. इम्प्रूवमेंट होना चाहिए लंबे समय का, लॉन्ग टर्म. सो लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट इज डायबिटीज कंट्रोल, डायबिटीज रिवर्सल. और जिनको टाइप 2 डायबिटीज है उनमें, दैट इज द मोस्ट पॉसिबल थिंग, टाइप 2 डायबिटीज, उनको क्या है, उनको अपना एच बी ए वन सी पुराने जमाने में कहा जाता 6% के नीचे, 6 के नीचे, या आज के डेट में 7 के नीचे भी इट्स एक्सेप्टेबल. नए टर्म्स में कहते हैं 7% के नीचे एच बी ए वन सी लेके आ जाए. और जिनका 6 के नीचे है विदाउट मेडिसिन, कोई दवा नहीं, कुछ नहीं, वो नॉर्मल है, राइट. उसका मतलब है कि वो डायबिटीज रिवर्स हो गया. विदाउट मेडिसिन आपका 6 के नीचे है तो डायबिटीज रिवर्स हो चुका है, सिंपल. 7 के नीचे है तो प्री डायबिटिक स्टेज में है या फिलहाल के लिए चला सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो लाइक आई सेड रेमिशन की बात. इसका, इसमें क्या है, मेन चीजें हम समझेंगे कि क्या क्या इफेक्ट करता है, क्या क्या मदद करता है. यू नो डायबिटीज के दो टाइप है, टाइप 1, टाइप 2. टाइप 1 में जो भी बेसिक चीज है, और डायबिटीज ब्लड शुगर कंट्रोल का कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए कि आप खाना खाते हैं उसमें से शुगर, ग्लूकोज टूट टूट के आपके ब्लड में जाती है. ब्लड में जो ग्लूकोज होती है उसको टिश्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर लेके जाके काम करवाने के लिए जो दरवाजा खोलता है उसका नाम है इंसुलिन. सो इंसुलिन अगर आपके शरीर में नहीं बन रहा या कम बन रहा है, बन ही नहीं रहा, वो है टाइप 1. टाइप 1 डायबिटीज जहां इंसुलिन है ही नहीं या इंसुलिन कम है. तो टाइप 1 डायबिटीज में इलाज और कुछ नहीं है, आपको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा क्योंकि इंसुलिन है ही नहीं. टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन ज्यादा है लेकिन उसकी सेंसिटिविटी कम हो गई है, चाबी खराब हो गई है, चाबी काम नहीं कर रही है, सही से काम नहीं कर रही है, स्पीड नहीं पकड़ रही है, गाड़ी स्लो हो गई है. सो ये टाइप 2 डायबिटीज जिसमें गाड़ी स्लो हो गई है, आप उसको बेटर कर सकते हो. इसमें कई सारे कारण है और कई सारे बेस्ट कारण है जिसका सबसे अच्छा रिजल्ट है. वैसे तो बहुत सारे कारण है, लेकिन नंबर 1 चीज जो रिवर्स करने में कारगर पाई गई है, दैट इज लूजिंग बॉडी वेट, वजन कम करना. इफ यू लूज योर बॉडी वेट, डायबिटीज रिवर्सल इज इजी, इज विल हैपन. ठीक है, ठीक है. और टाइम और डेडिकेशन, ये दो बहुत जरूरी चीजें हैं जो आपको देनी होगी. ठीक है, राइट. कैसे रिवर्स होता है या कैसे प्रोग्रेस होता है डायबिटीज, ये समझना जरूरी है और उसके लिए कारण समझना जरूरी है. क्योंकि रिवर्स तभी कर पाओगे जब आपको उसका बैकग्राउंड में कारण पता है कि ये हो कैसे रहा है. तो देयर इज अ विशियस साइकिल. नंबर 1 रीजन इज डाइट्स हाई इन कैलोरीज, हाई कैलोरी डाइट जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स यानी सिंपल चीनी, शक्कर या फिर मैदा, मैदे से बनी हुई चीजें, बिस्किट, ब्रेड, वट एवर यू ईट, एंड वट एवर बर्गर वर्गर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई चीजें जो आप ज्यादा खाएंगे वो. नंबर 2 है कि आपके शरीर में ये इतनी ज्यादा मात्रा में होने के वजह से, जो साइकिल में सेकंड चीज होती है कि आप जब इसे खाते हो तुरंत आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है, और उसको बैलेंस करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए इंसुलिन लेवल स्पाइक होता है. इंसुलिन लेवल स्पाइक होता है
कार्ब्स इंटेक के बाद, और आप इंसुलिन घपाघप इसको शुगर को आपके सेल्स में डाल के फैट बनाते जाता है, बिकॉज इतनी जल्दी इतनी सारी शुगर नहीं चाहिए आपकी बॉडी को. सो ऑल द एक्स्ट्रा शुगर्स, एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू फैट्स, एंड आप पेट से मोटे होते जाते हो, थाई से मोटे होते जाते हो, बम से मोटे होते जाते हो. सो दैट इज वन इशू. कंसिस्टेंटली जब लेवल्स इंसुलिन के हाई रहते हैं बॉडी में, तो बॉडी इंसुलिन से रेजिस्टेंट होती जाती है, बिकॉज आपके सेल्स को भी इतनी शुगर नहीं चाहिए जितनी आई जा रही है, टिश्यूज को इतनी शुगर नहीं चाहिए जितनी आई जा रही है. सो दे स्टार्ट रेजिस्टिंग, नो नो नो. सो इंसुलिन बिकम्स रेजिस्टेंट, राइट? और जितना ज्यादा वजन बढ़ता जाएगा उतना इंसुलिन रेजिस्टेंस होता जाएगा, वजन बढ़ता जाएगा इंसुलिन रेजिस्टेंस होता जाएगा. दिस इज द साइकिल, विशियस साइकिल. हाई इंसुलिन विल कॉज वेट गेन, वेट गेन विल कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस विल अगेन इंक्रीज इंसुलिन. समझ रहे हो? साइकिल साइकिल साइकिल. सो दिस इज द बिग थिंग. और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इंसुलिन आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ता जाएगा और आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी. तो दिस इज हाउ डायबिटीज का विशियस साइकिल होता है. फिर से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है विशियस साइकिल समझना. इंसुलिन रेजिस्टेंस तब होगा जब आपकी बॉडी के अंदर बहुत हर रोज कई बार हाई लेवल ऑफ इंसुलिन रहेगा. वो क्यों रहेगा? जब आप सिंपल कार्ब्स खाते रहोगे, सिंपल कार्ब्स, मैदे से बनी चीजें, मैदा, या इवन अगर हम गेहूं की बात करें तो आज के डेट में रिफाइंड गेहूं आने लगे हैं जो काफी सिंपल कार्ब्स में माने जाते हैं, वीट भी. ठीक है, मल्टीग्रेन इज अ डिफरेंट थिंग, मल्टीग्रेन चीजें इज बेटर, बट देन इट शुड बी ओरिजिनल. फिर सिंपल कार्ब जितने ज्यादा खाते हैं हम, उतने कार्बोहाइड्रेट्स इंसुलिन स्पाइक करते हैं, और इंसुलिन लेवल्स जब बढ़ जाते हैं कंटिन्यूअसली, तो सारी शुगर टिश्यूज में डाली जाती है, जितनी सारी की उनको जरूरत नहीं है, तो ज्यादातर फैट बनता है, मोटापा बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, इंसुलिन को रोका जाता है, रेजिस्टेंस बोला जाता है, लेकिन शुगर आती जा रही है क्योंकि आप खाते जा रहे हो, तो इंसुलिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इंसुलिन को रोका जा रहा है, बढ़ती जा रही है, रोका जा रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है. यानी ज्यादा मात्रा में इंसुलिन आपके ब्लड में प्रेजेंट होने के बावजूद उसका इफेक्ट कम करना, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस. और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपकी बॉडी के ब्लड में इंसुलिन लेवल हाई हो जाता है. सो टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन लेवल हाई मिलेगा, टाइप 1 में इंसुलिन लेवल कम मिलेगा, और टाइप 2 में इंसुलिन हाई रहेगा तो और ज्यादा इंसुलिन से क्या होगा, शुगर और अंदर जाती जाएगी टिश्यूज में, वो पूरा मोटापा बढ़ता जाएगा. सो मोटापे से इंसुलिन रेजिस्टेंस, फिर इंसुलिन लेवल्स, फिर मोटापा. सो ये विशेष साइकिल है जिसकी वजह से आप कैसी तैसी हो रही है डायबिटीज. इससे क्या होता है, जब ब्लड के, और इससे ब्लड शुगर जो है वो खून में ही रहती है फिर ज्यादातर. सो हाई ब्लड शुगर लेवल, इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से शुगर हाई रहेगी ब्लड के अंदर, टिश्यूज में कम जाएगी. ऑल्दो टिश्यूज के अंदर स्टोर्ड फैट ज्यादा है, लेकिन टिश्यूज के अंदर खुली शुगर कम हो जाएगी, बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो खुली शुगर कम हो जाएगी, तो आपको भूख भी ज्यादा लगेगी, फिर आप और खाओगे, फिर आपके पास खाने के लिए, तो वही चीज, दुनिया में एक ही चीज है आपके पास में, सिंपल शक्कर और ब्रेड और बिस्किट और रस, सब्जियां तो है ही नहीं, है ना? ऐसे ही होता, हम सब्जी तो खाते ही नहीं, हम सलाद तो खाते ही नहीं, है ना? सो यही प्रॉब्लम है दुनिया का, कि ब्रेड बिस्किट बहुत आसान है, बिस्किट के साथ चाय, और फिर भूख लगी, और बिस्किट, ये लगा और बिस्किट, ये लगा और मीठा. सो फिर होता है बेड़ा गर्क. सॉरी फॉर द सार्कास्म, बट देन दैट्स ट्रू. सो हियर द प्रॉब्लम इज कि आप हंगर होता है तो यू डू ओवर ईटिंग एंड यू ईट बुलशिट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी और शुगर खराब होती जाती है, राइट? ओवर ईटिंग, और क्योंकि वो सारा शुगर खून में ही रह रहा है, ब्लड में नहीं, आपके टिश्यूज में नहीं जा रहा जहां एक्चुअल एनर्जी की जरूरत है, तो लिथार्जी, आप फटी, आपको थकावट हो रही है, इतनी सारी शुगर, आपके पेशाब भी ज्यादा निकल रहे हैं, बॉडी ट्राई कर रही है किडनी से निकालने की, पॉली यूरिया हो रहा है, प्यास ज्यादा लग रही है, पॉली यूरिया मतलब पेशाब ज्यादा निकल रहा है, पेशाब ज्यादा निकल रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, प्यास ज्यादा लग रही है, पॉलीडिप्सिया, पॉली यूरिया, पॉलीफेजिया, फेजिया मतलब खाना. दीज आर द 3 बेसिक साइंस ऑफ डायबिटीज, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, हाई ब्लड शुगर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, राइट? सो ओवर ईटिंग, लेस एक्टिविटी, हाई इंसुलिन लेवल्स, ये सब वेट गेन कराएंगे और ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस कराएंगे, राइट? और आपके पैनक्रियास के ऊपर कॉन्स्टेंट हाई डिमांड आता जाएगा, और इंसुलिन बनाओ, और इंसुलिन बनाओ, और इंसुलिन बनाओ, और वो गरीब कितना करेगा, पेनक्रियास फिर
हाथ ऊपर खड़े कर देगा, मुझसे नहीं हमसे ना हो पाएगा, ए नॉट चॉल्वे। फिर ए नॉट चॉल्वे, बीटा सेल्स डैमेज हो जाते हैं आपके पैनक्रियास के जो इंसुलिन बनाते हैं, और बॉडी स्ट्रगल करती है और इंसुलिन बनाने के लिए, और इसके वजह से क्या होता है, धीरे 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 इंसुलिन लेवल्स ही कम होने लगते हैं आपके बॉडी के अंदर, रेजिस्टेंस तो है ही राइट। और फिर क्या होता है, एक लेवल के बाद ब्लड शुगर भी बहुत बढ़ रहा था, धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा राइट। लेकिन अब क्या हो रहा है, बहुत टाइम हो गया है, लंबे समय में शुगर हाई है आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर एवरी सिंगल ऑर्गन इन द बॉडी हैज हाई शुगर लेवल्स, एवरी सिंगल ऑर्गन विल गेट डैमेज्ड बिकॉज ऑफ हाई शुगर, इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, इन्फेक्शंस बढ़ेंगे राइट, बॉडी के अंदर क्लॉटिंग होगी, किडनी डैमेज, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, वेस्कुलोपैथी, ब्रेन डैमेज, हार्ट डैमेज, एवरी थिंग विल गेट डैमेज राइट। दिस इज द विशियस साइकिल जो हो रहा है आपके डायबिटीज। सो देर आर फोर बेसिक स्टेप्स, तो देर आर फोर बेसिक स्टेप्स टू रिवर्स डायबिटीज। इसीलिए ये सबको समझना जरूरी है, टू रिवर्स डायबिटीज यू नीड टू बी एबल टू ब्रेक दिस साइकिल, यू हैव टू ब्रेक दिस साइकिल बाय टेकिंग द स्ट्रेन ऑफ प्रेशर ऑफ दोज इंसुलिन प्रोड्यूसिंग पैनक्रिया, पैनक्रियाज पे प्रेशर कम करना पड़ेगा। और इसके चार स्टेप्स हैं, चार ऑप्शंस हैं, चारों चीजें करें, दो तीन करें तो कम से कम बेहतर होगा। नंबर वन इज लो कार्ब डाइट, लो कार्ब डाइट, इनटेक ही कम करो, खाना ही कम, कार्बोहाइड्रेट ही कम खाओ। सेकंड इज लो कैलोरी डाइट, वेरी लो कैलोरी डाइट, कैलोरीज ही कम खाओ, सो दैट आपकी स्टोर्ड फैट भी तो यूज हो। इफ यू डोंट ईट लेस कैलोरीज, व्हाई विल योर बॉडी यूज द स्टोर्ड कैलोरीज राइट। अगर आपके जेब में पैसा है तो बैंक से पैसा क्यों निकालोगे, सिंपल। सो वेरी लो कैलोरी डाइट, थ्री, थर्ड थिंग इज, फर्स्ट इज लो कार्ब डाइट, वेरी लो कैलोरी डाइट, थर्ड इज योर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एंड द फोर्थ इज, अगर आप बहुत मोटे हो गए हो, बहुत मोटे हो गए हो तो बेरियाटिक सर्जरी, ऑपरेशन करा लो, बेरियाटिक सर्जरी करा लो, पतले हो जाओ। दीज आर द फोर स्टेप्स विच वी विल बी एक्सप्लेन, विच विल बी एक्सप्लेनिंग इन द इन अ शॉर्ट वाइल राइट। सो दिस इज बेसिक, बेसिक अबाउट डायबिटीज राइट। सो लेट्स टॉक इट अबाउट, ठीक है।